भारत में मैं हूं प्रकाश सिंह, विकासखंड छानबे के खैरा गांव में, जहां पर एक जमीन पर कब्जा बताया जा रहा है। आपको बता दें, यहां पर हमारे साथ में जो परिजन है वो पांडे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और इनकी जमीन जैसा इनका आरोप है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यादव परिवार के द्वारा इनकी जमीन पर 3 लाख का कब्जा किया गया। हम जानते हैं पूरी कहानी कि इनका आरोप जो है क्या है। जमीन है, हम रजिस्ट्री कराए हुए हैं और हमारे बगल में 186 नंबर हम रजिस्ट्री कराए हुए हैं और हमारे बगल में 184 नंबर है, 1084 और उनका नाम है रामजी यादव और वो हमारे में 2.5 लाठा घुसा है अंदर और वो जबरन जो है उसमें आदरणीय माननीय योगी जी की सरकार में इतनी दबंगई हो रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है। पैसे के बल पर यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है और यहाँ के लेखपाल कानूनगो सब बिक चुके हैं और कल शाम को यहाँ आए, फिर 7 बजे शाम को 7 बजे आ रहे हैं, 7 बजे आए। 7 बजे कौन सी नाप है? जहाँ से सीमांकन होना चाहिए उसका कोई मतलब नहीं है। हमें नाप कर किसी भी प्रकार का कोई कागजात, कोई फील्ड बुक या कोई भी व्यवस्था हमें नहीं दी गई। हम कहीं भी जाकर किसी अधिकारी सक्षम से, SDM से, DM के यहाँ, किसी यहाँ कोई अपनी हम बात रख सकें, कुछ नहीं। खाली मौजवानी ज़बरदस्ती बोल दिए हैं कि आप जाकर बनाइए। क्या लग रहा है आपके साथ, मतलब गलत हो रहा है? बिल्कुल हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे पूरे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। हम ब्राह्मण DM महोदय यहाँ की बहुत ही चर्चित और ईमानदार हैं और कभी उनके बारे में जानी जाती है। क्या कहना चाहेंगे DM महोदय? बहुत ही अच्छी DM है, जितना ही कहा जाए बहुत ही सराहनीय। उनसे आप कोई विनती करना चाहेंगे? उनसे हमारी बहुत ही हाथ जोड़कर विनती है कि हम ब्राह्मण परिवार को हमारी सुरक्षा व्यवस्था रखें। ये लोग अपराधी किस्म के हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, अपने द्वारा, दूसरे के द्वारा, हाँ, रिश्तेदारों से करवा सकते हैं, मेरा एक्सीडेंट करा सकते हैं पूरे परिवार का। हम तो DM साहब यही कहेंगे कि हमारे पूरे परिवार में किसी के कुछ भी होता है, हवा से, पानी से, बिजली से, एक्सीडेंट से, किसी के मौत या कोई दुर्घटना होती है, उसके जिम्मेदार रामजी यादव, उनके पुत्र, नाती राजू, राहुल, ये लोग जिम्मेदार होंगे। क्योंकि हमारे चाचा जी को जान से मारने की धमकी दिए हैं। अच्छा। हाँ, आदरणीय हमारे चाचा जी विजय शंकर पांडे को उनके नाती जी जान से मारने की धमकी दिए हैं। हमने बात थाने पर भी कही थी मगर थाने वाले किसी विश्वास को लूट नहीं लिए, कहने ये सब कोई कह दिया तो कर देगा, मान लो तो हो जाएगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल। हाँ, यही सब बात। हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, योगी जी से भी हमारा ये निवेदन है, किसी भी तरीके का यदि अन्याय है तो हम तो कहें सक्षम अधिकारी के द्वारा जांच करा लिया जाए और इसमें पक्की पैमाइश करा करके, आदेश करा कर वो अपना नाप करवा लें, जहां उनका पहुंचता है 17 बिस्सा उनका रकबा है, अपना भर करके अपना वो चाहे वहाँ बिल्डिंग बनाए, घर बनाए, रहें, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो स्थगन आदेश का अवमानना किया जा रहा है, समझ लीजिए। एक जमीन को लेकर आपके घर में लफड़ा चल रहा है, हाँ। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि जब से मैं आई हूँ यहाँ पे देख रही हूँ कि हमारे ससुर जी बैनामा कराए थे, जो है हमारे कब्जे में है हमारे जमीन, लेकिन हड़प रहे हैं ये लोग। तो कितने दिन से चल रहा है मामला आपका? मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, तब से चल रहा है? हाँ, तब से चल रहा है। अभी उस पर रोक लगाया गया हाई कोर्ट के द्वारा, फिर भी उसके बावजूद भी गुंडई से कर रहे हैं ये लोग, पैसा दे के जो है घुस खिला के कर रहे हैं। कल आए थे लेकिन हमारे घर वाले कोई पहुंच नहीं पाया उधर पे, तब भी नाप नहीं की, बस ऐसे कर दिए कि जो है ये बनाओ, हो गया, कह के चले गए। जो नेपाल ने नापा है सही नापा है, बोल रहे हैं कि जो नेपाल ने नापा है सही नापा है। ठीक, पाल्टी है गुंडई से, हर चीज गुंडई से। क्या चाहती हैं? कहते हैं आप न्यायालय से सफा सही कीजिए, आप लोग खड़ा होकर ये अधिकारियों से मिला कर कीजिए, सब गुंडाई के हर पैसा, हर सबको ठाकुर को पैसा दे रहा है, ब्राह्मण को भी पैसा दे रहा है, पुलिस दरोगा को, सबको पैसा, खाली पैसा, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, पैसा वाली पार्टी है। अच्छा, हम लोग हैं गरीब ब्राह्मण है, बस जी खा रहे हैं, बस हमारे पास पैसा नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी जमीन इनका नंबर 1084 है, मौके पर आकर के पक्के प्रमाणित करवा लें और उनका जहाँ बनता है वहाँ अपना बनवाएं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल जब तक प्रमाणित पक्की न करवाएं तब तक ना बनवाएं।
गुंडाई के बल पे वो ना बनवाए, स्टे है उस जमीन पे। वो हमारे जमीन पे स्टे तक को स्टे माने उच्च न्यायालय से 2005 से स्टे है, 2005 से स्टे है। उसकी उस आदेश का अवमानना करते हुए विपक्ष पार्टी जो हमारा पक्षवादी वो मिलकर के यहाँ निर्माण करवा रहे हैं।